ऐसा कितनी बार हुआ है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते आपने एक एड देखा और उससे प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश की? कई बार, राइट? और हम सबके पास ऑलमोस्ट एक ऐसी स्टोरी है जो सोशल मीडिया एड स्कैम के बारे में है। लेकिन अब जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक फैमिली के स्कैम की स्टोरी है, वेयर दे लॉस्ट 1,50,000 सिंगापुरियन डॉलर्स अक्रॉस 4 बैंक अकाउंट्स इन अ क्रेडिट कार्ड। ये कहानी है एक इंडियन फैमिली की जो सिंह सरनेम से जा रही है, दे आर नॉट रिवीलिंग देयर एंटायर नेम। सिंगापुर में रहने वाली इस फैमिली ने फेसबुक पर ऑर्गेनिक एग्स का एक एड देखा। उन्होंने उस एड पर क्लिक किया, उस एड ने उन्हें व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट किया। वहां उन्होंने जेसन नाम के एक बंदे से बात की। जेसन ने उन्हें कहा कि आपको अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक पार्शियल पेमेंट करना होगा और बाकी पेमेंट डिलीवरी पर करना है। उन्होंने उनसे एक लिंक शेयर किया जो हूबहू उनके बैंक अकाउंट जैसा ही दिख रहा था। वहां पर उन्होंने अपने लॉगिन डिटेल्स डाले लेकिन लॉगिन फेल हो गया। उन्होंने जेसन को मैसेज किया कि ऐसा हुआ। जेसन ने कहा हमारे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, हम आपको डिलीवरी दे देंगे, आप सारा पेमेंट डिलीवरी पर कर देना। कुछ दिन बाद डिलीवरी तो नहीं आई लेकिन बैंक से मैसेज आए हैवी ट्रांजैक्शंस के। उन्हें पता चला कि जिस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उन्होंने डाली थी वहां पर से हैवी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेकिन उसके अलावा उनके और 4 पर्सनल अकाउंट्स जिसमें पैसे डिपॉजिटेड थे उनमें से भी सारी लाइफ सेविंग्स वाइप आउट होके 0-0 हो गई। सिंह फैमिली का सवाल ये है कि अगर उन्होंने सिर्फ एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाले तो बाकी 4 बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनके पास कैसे चली गई, और इतने बड़े ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद भी उन्हें एक मैसेज, एक वन टाइम पासवर्ड नहीं आया। इन्हीं सवालों का जवाब सिंगापुर की पुलिस फोर्स भी ढूंढ रही है। आप भी केयरफुल रहे अबाउट सोशल मीडिया एड स्कैम, स्पेशली द एग स्कैम। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द CSR जर्नल फॉर मोर सच स्टोरीज।